दोस्तों, मैं जीवन ज्योति आप लोगों को आपके YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने ये चैनल के जरिया में आप लोगों के पास स्टॉक मार्केट के इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट और स्टॉक मार्केट के टिप्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है और ये देखिए थोड़ा सा रिकवरी आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये हो सकता है तो पहला आधा घंटा या एक घंटा ये नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरा रूल के हिसाब से ये नीचे की तरफ दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसी लेवल पे अभी निकल गया है। ये देखिए 700 के आसपास प्रॉफिट लेके मैंने निकल गया, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था तो रूल बोला कि नहीं, अभी निकलना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये शायद एक गैप फिलिंग हो सकता है और ये 450 के लेवल के आसपास जब आएगा फिर से हमारा एंट्री आ सकता है। तो मैंने अभी वेट करूंगा ये ट्रेड पे, ये और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो हो सकता है पहला एक घंटा के आसपास ये थोड़ा नीचे रहेगा, फिर ये अप जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने उसको ट्रैक करूंगा। तो मेजर चांस है कि ये गैप फिलिंग होने के बाद ही ऊपर जाएगा, ये इसी लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देखते हैं दोस्तों, मैंने अभी ट्रैक कर रहा हूँ और आप लोगों को शेयर करूँगा जब फिर पोजीशन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा और पोजीशन नहीं है, मैंने निकल गया इसी पोजीशन से। तो मैं पोजीशन लेने के बाद आप लोगों को फिर से शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मेरा रूल के हिसाब से मुझे अभी फिर से एंट्री आया है, तो मैंने यहाँ पर बाइंग किया है। ये देखिए, यहाँ पर 360 के आसपास लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा बाइंग आया 105.85 के आसपास, तो ये एक पॉइंट नीचे है इसीलिए लॉस दिखा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इसको अभी फॉलो करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो मेजर चांस है इसी लेवल से ये मार्केट ऊपर जाने की। तो देखते हैं दोस्तों, ये कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है आज। आज हमारा जो टारगेट रहेगा ये 520 के आसपास हमारा आज टारगेट है। तो देखते हैं हमारा टारगेट कितना जल्दी अचीव होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आज का रिजल्ट क्या हुआ। अगर ये थोड़ा ज़्यादा लॉस दिखाया दोस्तों, अगर यहाँ पे ये 470 के नीचे या थोड़ा अगर ज़्यादा लॉस यहाँ पे दिखाएगा, मैक्स 1-2 हज़ार से ज़्यादा लॉस हम लेंगे नहीं। यहाँ पे अगर लॉस दिखा रहा है तो फिर मैंने लॉस लेके निकल जाऊँगा। और हमारा बेसिक टारगेट रहेगा ये 520 का लेवल, ठीक है दोस्तों। मैंने अभी ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है और अभी एक डबल बॉटम का लेवल को आ रहा है। तो ये डबल बॉटम का लेवल 11,455 से लेके 11,465 के अंदर आता है। तो दोस्तों, इसी लेवल से ये मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो देखना फिर ये 520 पे आज जाके रुकेगा। तो दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा 520 और इसी लेवल से ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे 11,495 के आसपास उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आए, लेकिन ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ही ऊपर जाना चाहिए और हमारा टारगेट जो 520 है, 11,520, वो आज अचीव हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको ट्रैक कर रहा हूँ और आपको शेयर करूँगा जब मार्केट बंद हो जाएगा, तो आपको शेयर करूँगा कि आज निफ्टी कितना ऊपर तक गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मार्केट बंद हो चुका है और अभी 9 बजे के आसपास है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन देखिए मार्केट के लिए यहाँ पे 11,486 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया और ये इसी लेवल पे रुक गया है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे ये मार्केट 11,450 का लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता तो फिर हमारा सेलिंग आने का चांस था। लेकिन देखिए, ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, 11,470 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, मेजर चांस है ये इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आज तो मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, आज बहुत साइडवाइज मूवमेंट किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको मेरा पोजीशन दिखा रहा हूँ, मैंने आज क्या किया था। 11,500 का जो कॉल काल मैंने लिया था, आज 99 के आसपास भेज दिया था। जब यहाँ पर ये मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा तो रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पर भेज दिया था। फिर उसके बाद वापस उसको 105.85 पे बाय किया, जब ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखा रहा था उसी टाइम पे मैंने बाय किया।
उसके बाद ये तो मेरा पोजीशन चल रहा है, यहाँ पे देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पोजीशन 1100 का लॉस चल रहा है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लॉस भर जाएगा। लेकिन आज मैंने जो एक छोटा सा ट्रेड किया है, 3 लॉट का निफ्टी 98.57 पे लिया था, और ये जब मार्केट अच्छा ऊपर गया था यहाँ पे 3-4 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा था। लेकिन जब मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, ये लास्ट मोमेंट पे जब नीचे की तरफ आया, मैंने मेरा ट्रेडिंग का रूल के हिसाब से मैंने उसको लिया था कि एंड ऑफ द डे तक मैंने रुकूंगा बोल के, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, तो 3 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एंट्री किया था 98.57 पे और 101.6 पे मैंने निकल गया, तो ये 3 पॉइंट के आसपास मैंने आज सिर्फ प्रॉफिट बुक किया है, और ये 225 मतलब 3 लॉट ही लिया है, तो 680 के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 1100 का लॉस दिखा रहा है, ये 1100 का लॉस के अंदर मैंने ऑलरेडी 680 के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये जो लॉस आएगा ये लॉस 1700 के आसपास दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 1700 के अंदर मैंने 600 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है, इसीलिए आपको 1100 का ये लॉस दिखा रहा है। तो दोस्तों निफ्टी 11,450 का लेवल के ऊपर है, तो ज़्यादातर चांस है कि कल ये ऊपर जाने वाला है, मैंने तो निफ्टी पे अभी बुलिश हूँ। तो दोस्तों 3-4 दिन ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये निफ्टी आपको जो 11,470 के आसपास दिख रहा है, ये 11,650 के आसपास आपको दिखना चाहिए, इसलिए मेरा पोजीशन यहाँ पे चल रहा है, ये थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है लेकिन ये पोजीशन चल रहा है, मैं उसको रखूँगा, 3-4 दिन नज़रिया लेके मैंने उसको लिया है। दोस्तों मुझे देखना उस पर प्रॉफिट आ जाएगा, अगर निफ्टी 11,450 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मैंने ये पोजीशन लॉस लेके क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेडिंग। दोस्तों देखिए आप अच्छे से ट्रेडिंग को समझिए कि इसको कैसे करना है। देखिए आज ये जो ट्रेडिंग हुआ था ये आया नीचे और जब गैप फिलिंग हो गया तो उसके बाद ऊपर जाने लगा था, और देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही पूरा दिन भर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो मार्केट क्लोजिंग होने वाला था थोड़ा सा इसके नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल सारे बनाया है ये बाइंग का कैंडल बनाया है, और ये लास्ट कैंडल जो क्लोजिंग किया ये हैमर का पैटर्न बनाया, तो मेजोरिटी आप देखेंगे ये मार्केट ऊपर जाने की सिग्नल दे रहा है और ये ऊपर भी जाएगा, और 3-4 दिन के अंदर हमको 11,650 के आसपास ये निफ्टी दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेडिंग। अगर आप लोगों को कोई स्टॉक के लिए एनालिसिस करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज दीजिए, मैं एनालिसिस करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट का क्लास ज्वाइन करना है, मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।